की गई है। 188 के अंतर्गत 1,12,486 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 2,64,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है। 95 लाख वाहन चेक किए गए हैं और 63,000 वाहन सीज किए गए हैं और अब जुर्माना भी जो है 46.43 करोड़ रुपया हो गया है। फेक न्यूज़ पर भी विशेष कार्रवाई की गई है। 1,848 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जोन की संख्या बढ़ी है, इसका रिव्यू भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के एरियाज में कैसे रैशनलाइज किया जाए और हॉटस्पॉट्स में लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से आज विचार विमर्श फिर से होगा। 4,510 हॉटस्पॉट्स में 876 थानों में 10,55,000 लोगों का जो है चिन्हांकन करते हुए 10,55,000 मकानों का चिन्हांकन करते हुए 62,00,000 लोगों को चिन्हित इनमें कर लिया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम परिवहन निगम का भी जो है आयोजित किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 बस स्टेशनों का लोकार्पण और 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। इनको जो है जो अवध बस स्टेशन है उनकी 25 बसों का हरी झंडी दिखाकर उनका भी जो है उद्घाटन और उनको रवाना करने का कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये आपको सबको विदित है कि लगभग 37,00,000 लोग जो आए हैं सबको किसी न किसी रूप में, चाहे तो बॉर्डर से लाने में, कोटा से लाने में, हरियाणा से लाने में, मध्य प्रदेश से लाने में, उत्तराखंड से लाने में, सबका बसों का उपयोग, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का उपयोग हुआ या रेलवे स्टेशन से उनको घर तक पहुंचाने में जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का उपयोग हुआ या फिर कहीं बैरियर्स पर जो हमारे बॉर्डर पर बैरियर थे वहाँ से बसों से लाने का जो है व्यवस्था दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UPSRTC उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को, उनको सबको बधाई दी है, उनके माननीय मंत्री जी को, उनके प्रमुख सचिव साहब को, उनके MD साहब को, उनकी पूरी टीम को रोडवेज की बधाई दी है कि पूरे इस इमिग्रेशन कैंपेन में जो बाहर से लोग आए थे कामगारों को और जो हमारे श्रमिक आए थे उनके लिए विशेष रूप से जो है कार्य जो किया है वो तारीफ़ काबिल है। जो नवनिर्मित बस स्टेशन आज जिनका उद्घाटन हुआ है वो नैमिषारण्य सीतापुर चित्रकूट में, बस शेल्टर रुधौली बस्ती में, बस शेल्टर मनकापुर गोंडा में, बस स्टेशन डिबाई बुलंदशहर में, अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग लखनऊ में और लोकार्पण जिनका हुआ है गुरसहायगंज, इनका लोकार्पण हुआ है और जो शिलान्यास हुआ है वो गुरसहायगंज कन्नौज बस स्टेशन जालौन बस स्टेशन काठ मुरादाबाद बस स्टेशन दिबियापुर औरैया बस स्टेशन अलीगंज एटा और बस स्टेशन बदलापुर जौनपुर और बस स्टेशन चायल कौसम्बी का शिलान्यास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UPSRTC को प्रोत्साहित किया है कि वो प्रयास पूरा करें कि प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट के दौरान लोगों को कहीं दिक्कत न हो, उसका सहयोगी रहे। जैसा कि कहा जाता है UPSRTC के लिए आपका अपना साथी, तो वो अपना साथी के रूप में आपका काम करें, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और विभाग को बधाई भी दी है। हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। कल जो है लगभग 753 जो है FIR 188 के अंतर्गत दर्ज की गई है और 1,000 लोगों का चालान किया गया है। हम लोगों की तरफ से अपील होगी कि प्रत्येक जनपद में लोग हर हालत में जो है मास्क पहनकर जरूर निकलें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं, जो भी कर्म का जो लोग जहां जा रहे हैं इंडस्ट्री वहां पर कोविड हेल्प डेस्क जरूर बने, कोविड हेल्प डेस्क का फ़ायदा जरूर लें, किसी भी सूरत में बिना मास्क के कोई ना चले, ये हमारी तरफ से अपील की जाती है। धन्यवाद, जय हिंद। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, आज ही ले आए, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग